एक ऐसा जिलाधिकारी जिसका तबादला रोकने के लिए जनता सड़कों पर उतर आती हो, एक ऐसा डीएम जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स न होने पर अपनी पत्नी को पढ़ाने भेज देता हो, एक ऐसा कलेक्टर जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा आईएएस अफसरों में से एक मंगेश घिल्डियाल की। मंगेश बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और फिर टिहरी के डीएम के तौर पर सेवा देने के बाद अब केंद्र सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। वो पीएमओ में उप सचिव के पद पर तैनात हैं और वहां भी अपने काम की छाप छोड़ रहे हैं। आज हम अचानक मंगेश घिल्डियाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी है। पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों धाम का डेवलपमेंट से संबंधित है। पीएम के इस काम की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंगेश ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर परिसर, माणा बाईपास, बद्रीश व शेष नेत्र झील, अलकनंदा नदी के तटों, साकेत तिराहा, अस्पताल, बस स्टेशन समेत आसपास के जगहों का भी जायजा लिया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में शेष नेत्र और बद्रीश झील को एक बड़ी झील के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके पास ही एक गार्डन भी तैयार किया जाएगा जो लगभग अक्टूबर नवंबर महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। उप सचिव आईएएस मंगेश घिल्डियाल ने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैन पावर और मशीनें बढ़ाने का निर्देश दिया है और अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की है। वो वहाँ के जिलाधिकारी से मिले और साथ ही प्रोजेक्ट से जुड़े वो तमाम अधिकारी जो वहाँ थे उस वक्त सभी से मंगेश ने बैठक की है। चलिए अब आपको आईएएस मंगेश से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ दे देते हैं। मंगेश घिल्डियाल उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 12 सितंबर 2020 को उन्हें पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी के पद के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंगेश हमेशा गरीब बच्चों की मदद करते रहते हैं। वह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। साथ ही वह जब डीएम के तौर पर बागेश्वर रुद्रप्रयाग में थे तो वहाँ की जनता के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयार किया। साथ ही कई ऐसे बच्चे हैं जो आज भी मंगेश से जुड़े हुए हैं। साथ ही वह जरूरत पड़ने पर अपने इलाकों के लोगों के साथ चौपाल लगाते थे, जनता की शिकायतों का समाधान करते थे। मंगेश घिल्डियाल 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं जिन्होंने पूरे देश में चौथी रैंक हासिल की थी। आईएएस मंगेश से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।